SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। जिस ममदू के सिलसिले में ये जश्न मुनाकिद किया गया है, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, आइए हम जरा उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात का भी जायजा ले लें और अंदाजा लगाएं कि जब वो इस दुनिया से गए तो किस शान से गए, उनकी जबान पर क्या जारी था, उनकी जबान पर कौन से कलेमात थे। अल्लाह अकबर। आप शायद जानते हो या न जानते हो, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जो है दलाइलुल खैरात शरीफ के भी हाफिज थे। वो असर की नमाज के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ जबानी पढ़ा करते थे और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 65 साल की उम्र में पहुंचने के बाद कुरान हिफ्ज करना उन्होंने शुरू किया था और मेरी याददाश्त और नॉलेज के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक 15 पारे तो हिफ्ज हो चुके थे, इतना तो मुझे मालूम था ही। आप जरा सोचें, बिनाई कमजोर हो चुकी हो, समाअत मुतासिर हो चुकी हो, जबान की पोजीशन परेशान कुन हो, ऐसे आलम के अंदर और उम्र के उस हिस्से में पहुंचकर कुरान के हिफ्ज करने का जज्बा, ये कितना बड़ा जज्बा हुआ करता है। आइए हम देखें हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल के वक्त उनकी सिचुएशन क्या थी, उनकी कैफियत क्या थी। तो अल्लाह अकबर। यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे और शायद कुछ लोग मेरे सिलसिले में प्रोपेगेंडा भी करें, लेकिन मैं उससे बेनियाज होकर के कुछ बात अर्ज कर देता हूं। और वो ये है कि कुछ लोग ताजु शरिया की शख्सियत को मनवाने के लिए उनकी नमाज जनाजा में शरीक होने वाले वालों की तादाद पेश करते हैं, इतने लाख थे, इतने करोड़ थे। मैं कहता हूं किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी की अलामत ये नहीं है कि उसकी नमाज जनाजा में कितने लोग थे, ये अलामत नहीं है। अगर यही अलामत है तो मौला अली रदी अल्लाह तआला की नमाज जनाजा में 7 लोग थे और एक रिवायत में कि 3 ही आदमी थे। आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखो। मेरा यह कहना नहीं है कि उनकी नमाज जनाजा के अंदर लाखों लोग शरीक थे तो इससे इनकार किया जा रहा हो, नहीं, हम खुद भी शरीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोहित भाई वगैरह हम लोग सब पहुंचे थे, रात भर की बेदारी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जनाजा के अंदर शरीक होने की सआदत हमने भी हासिल की और लाखों का मजमा था, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन मजमे के जरिए शख्सियत को मत मनवाओ, मनवाना है तो कुरान और हदीस के जरिए मनवाओ। और कुरान और हदीस की रोशनी में आप देखें, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का जब विसाल हुआ, वक्त कौन सा था और उनकी ज़बान पर आखिरी कलेमात क्या थे, इसे समझो। मगरिब की अजान शुरू होती है, वो अजान के कलेमात को दोहराते हैं और जब मौजिन आखिरी कलेमे पे पहुंचता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा यहां तक पहुंचने के बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार ही करते हैं और रू परवास कर जाते हैं, रू परवास कर जाते हैं। यह है खातिमा बिल खैर।